वेलकम टू विजन MBA. नाउ गाइज, मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि सर कैट एग्जामिनेशन बहुत डिफ़िकल्ट है, क्वांट मेरा बिल्कुल भी सही नहीं है, मैंने क्वांट या मैथमेटिक्स मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया था. कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो जॉब करते हैं और आफ्टर ग्रेजुएशन उनका जो स्टडीज से जो कनेक्शन था वो छूट चुका है. सो द क्वेश्चन इज़, कैन यू गेट अ डिसेंट स्कोर इन कैट एग्ज़ाम? गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैट एग्जामिनेशन आपको या कोई भी MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको परसेंटाइल पे गेज करता है, परसेंटेज पे नहीं. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन परसेंटाइल एंड परसेंटेज? इज़ वेरी सिंपल. इफ यू आर समवन हुज़ प्रिपेयरिंग फॉर द MBA एंट्रेंस एग्जाम्स, मे बी यू ऑलरेडी नो दिस, बट इफ यू आर समवन हुज़ गोइंग टू स्टार्ट द जर्नी नाउ, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. परसेंटाइल मीन्स द कंपेरिजन. लेट्स से कि 100 स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन अटेम्प्ट किया, उसमें अगर कोई आदमी कहता है, ओके लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस एग्जांपल, लेट्स से इफ समवन सेज दैट दे गॉट 90%, तो 90% का मतलब ये नहीं है कि उसने 90 मार्क्स लाए या 90 क्वेश्चंस राइट किए. इसका मतलब ये होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने वो एग्जामिनेशन अपेयर किया विद दैट कैंडिडेट, दैट पर्सन और दैट कैंडिडेट हु गॉट 90% गॉट मोर मार्क्स देन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हु अपेयर्ड इन द एग्जाम. 100 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, मेरा 90% आया, मतलब मेरा जो स्कोर है वो 89 लोगों से ज़्यादा है. आई एम द 90th, और मुझसे ज़्यादा 10 लोगों का स्कोर है. नो गाइस, कैट एग्जामिनेशन आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देती है बिकॉज देर आर सो मैनी IIMs विद सो मैनी सीट्स इन इट, सो अपॉर्चुनिटीज़ आर सो मच. कैट एग्जामिनेशन का एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है. मज़े वाली बात यह है कि आप कैट एग्जामिनेशन खाली भी छोड़ के आते हो, लेट्स से यू बीइंग अ कैंडिडेट यू डू नॉट अटेम्प्ट एनी ऑफ द क्वेश्चन, स्टिल यू विल बी गेटिंग अराउंड 38-40%, कभी कभी शायद उससे भी ज़्यादा, क्योंकि उतने सारे स्टूडेंट्स नेगेटिव में जाते हैं. यू डू नॉट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट आंसर, इफ़ यू आर नॉट श्योर दैट कि आंसर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ, तो वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे. कैट एग्जामिनेशन मेन बात आती है क्वांट की. अगर आपका क्वांट बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट नहीं है या वर्बल या कोई भी एग्जाम, ऑल यू जस्ट नीड टू डू इज़ यू नीड टू फोकस ऑन कि आप क्या कर सकते हैं. अगर आप कुछ क्वेश्चंस क्वांट के सिंसियरली अटेम्प्ट कर सकते हैं तो आप उन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करें रादर देन दोज क्वेश्चंस जो डिफ़िकल्ट हैं. अब ये करने से फ़ायदा ये होगा कि आपका अटेंशन और फोकस उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा रहेगा जो क्वेश्चंस आप कॉन्फिडेंट है जिस क्वेश्चंस में, और वो क्वेश्चंस आप एग्जाम में राइट अटेम्प्ट करके आएंगे. यू मस्ट टारगेट ओनली 30% ऑफ द क्वेश्चंस इन क्वांट क्वांट सेक्शन टू बी अटेम्प्टेड करेक्टली. मतलब जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं, जितने भी नंबर्स के, बिकॉज ऑफ कोर्स नंबर्स आर चेंजिंग, समझो 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मुझे सिर्फ 30% क्वेश्चंस राइट अटेम्प्ट करने हैं. दैट मीन्स माई टारगेट शुड बी एटलीस्ट 6 क्वेश्चंस राइट. अगर मैं 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 राइट अटेम्प्ट करता हूँ तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आई विल बी गेटिंग अ डिसेंट परसेंटाइल, जिसकी वजह से मुझे कई सारे IIM से कंसिडरेशन फॉर द फर्दर राउंड्स होगा. मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिक ऐसा होगा जो उतने क्वेश्चंस भी राइट नहीं कर सकता. MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज नॉट अबाउट डूइंग एवरीथिंग बट डूइंग सिलेक्टिव थिंग्स. इट इज़ ऑल अबाउट टेकिंग द राइट डिसीजन. राइट डिसीजन means what kind of question you must attempt, what kind of question you must practice, in what kind of question you put in your efforts. That's it guys. You, whenever you get enrolled in a coaching class or whenever you are taking guidance from a professional, you're not paying for the tuition, you're not paying for the books, but you pay for the guidance. You pay for the guidance what you will be getting from the coaching class or from the person who's going to train you. That's it guys. If you have any questions, any doubt, you guys can get in touch with me. I will share my contact details in the description box. Thank you and stay blessed.